प्रवेश कर रहे हैं। बंधु माताओं, अयोध्या कांड की जो प्रारंभिक चौपाई है, रामचरितमानस तो सबके घर में होगा, सबके घर में है। जो लोग पढ़ते हैं कभी कभी हाथ उठाएं, झूठे मत उठाना। जो पढ़ते हैं कभी कभी, अच्छा दो चार बच्चे, ठीक है कोई बात नहीं। तो कभी अवसर लगे तो सारा मानस तो हम नहीं पढ़ सकते, हमारे पास समय नहीं है और हमारे पास काम भी बहुत है। तो निवेदन कर रहा हूं, अयोध्या कांड की जो प्रारंभिक चौपाइयां हैं, सात आठ चौपाइयां हैं, मेरा अनुभव है, गुरु कृपा से मिला हुआ प्रसाद है, शास्त्र का और व्यासपीठ का विश्वास है। निवेदन कर रहा हूं, इन प्रारंभिक मांगलिक चौपाइयों का जो पाठ करता है, जब भगवान अपने पत्नियों के साथ, अपने ये भाई सारे अपनी पत्नियों के साथ पहुंचे अयोध्या, अयोध्या कितनी बदली सी लग रही है, विवाह के पूर्व की अयोध्या और विवाह के पश्चात की अयोध्या, दोनों में अंतर है। वही अंतर बताने के लिए चौपाइयां बाबा तुलसी ने लिखी हैं। निवेदन ये कर रहा हूं, इन मांगलिक प्रारंभिक चौपाइयों का जो पाठ करेगा, मैं ये तो नहीं बता सकता उसके घर में अमीरी कितनी आएगी, उसके घर में पैसा कितना आएगा, उसके घर में भौतिक संसाधन कितने आएंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि मांगलिक चौपाइयों का जो बड़े भाव और बड़ी श्रद्धा से नित्य पाठ करेगा, उसके घर में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आ सकती है। ये इस व्यासपीठ की महिमा। एक बार मेरे साथ प्रारंभिक चौपाइयों को गाइए। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, मिटनाव मंगल मोद बधाए, मिटनाव मंगल मोद बधाए, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघबर सई सुख भारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम बुद्धि कहवाई, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनुए तनिया भी रच कर तूती, सब बीज सब पुर लोग सुखारी, राम चंद्र मुख चंदो निहारी। नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल। इतना आनंद अयोध्या में जब भगवान विवाहित होकर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, सुकृत मेघ, सुकृत यानी पुण्य, पुण्यों के मेघ अयोध्या में छा गए, बरसही सुख, पुण्यों के मेघ सुख की वर्षा कर रहे हैं। और परिणाम क्या हुआ? पुण्यों के मेघ सुख की वर्षा किए तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति आदि नदियों में बाढ़ आ गई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। और जब नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ का जल कहां जाता है? समुद्र में। कहां जाता है? समुद्र में। तो ये जो बाढ़ आई रिद्धि सिद्धि संपत्ति आदि नदियों में, इस बाढ़ का जल किस समुद्र में गया? तो बंधु माताओं, किसी अरब सागर में, किसी प्रशांत महासागर में नहीं गया, किसी बंगाल की खाड़ी में नहीं गया। कहां गया?
बाबा तुलसी कहते हैं रिद्धि सिद्धि संपत्ति आदि नदियों में जो बाढ़ आई उस बाढ़ का जल अयोध्या रूपी समुद्र में समा गया। आज अयोध्या समुद्र हो गई है और सारे सुख की वर्षा से आए हुए बाढ़ का जल अयोध्या में समा गया। और सबसे बड़ा सुख क्या है अयोध्या का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, इतनी सुंदर है अयोध्या। लेकिन सबसे बड़ा सुख ये है सब विधि सब पुर लोग सुखहरी राम चंद मुख चंद निहार। लोग सुखी हैं समृद्ध हैं राम का दर्शन कर रहे हैं, राम के मुख का राम चंद मुख चंद निहारी राम के मुख का दर्शन कर रहे हैं। सारे लोग सुखी हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है और भगवान को ही आश्चर्य लग रहा है। बंधु बांधव भगवान को आश्चर्य लग रहा है क्या कि सुख में लोग मुझको याद कर रहे हैं। आदमी सुख में किसको याद करता है, भगवान को। किसको याद करता है, संसार। सुख में संसार याद आता है, चार पैसे बढ़ते हैं, गाड़ी घोड़ा मकान बढ़ता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, आदमी सबसे पहले भगवान से दूर जाता है। चार पैसे बढ़ेंगे कथा में नहीं जाएगा, क्लब में जरूर जाएगा। कहाँ जाएगा, क्लब। और चार पैसे बढ़ेंगे तो कहां जाएगा, और महंगे क्लब में, जो भी नाम होता है उसका। भगवान की कथा में नहीं आएगा। और मान लो पैसे आ गए, पद आ गया, तो कहां जाएगा, ऐसी तैसी में जा रहे, हम क्या करेंगे, कहीं भी जाए वो कथा में नहीं आए वो कथा। अब भगवान सोच रहे हैं अयोध्या में इतना आनंद इतना सुख है, संपत्ति है, समृद्धि है, रिद्धि सिद्धि है, और लोग राम का दर्शन, राम चंद मुख चंद निहारी। देखो भाई हम तो भगवान को कब याद करते हैं, जब चोट लग रही, जैसे संकट आता है तो संसार याद नहीं आता तो मुख से क्या निकलता, हे प्रभु रक्षा करो, हे गोविंद, हे राम, यही निकलता है। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी हे राम, बिस्तर पर जब वो दर्द से रोता है तो क्या बुलाता है, किसको हे प्रभु, हे। और जब शक्ति रहती है, सामर्थ्य रहता है, संपत्ति रहती है, रुपए की गर्मी रहती है, तब मुश्किल है, मुश्किल। और बंधु माताओं बहुत सारे लोगों को ये भान हुआ, अरे मनुष्यों को छोड़ो पशु को ये पता चल गया कि ये संसार सुख का साथी है, दुख में खड़ा नहीं होता। हम जिसके लिए पागल रहते हैं वो संसार वो रिश्तेदार हमारे सुख का साथी है, हमारे दुख में फोन नहीं उठाता। प्रयोग करके देख लेना, फोन को नॉट रिचेबल कर लेता, आप फोन मिलाइए वो पता नहीं, वो सुख का साथी है संसार। अरे भागवत का प्रसंग याद करिए, जब एक हाथी त्रिकूट पर्वत पर जो रहता था, गर्मी से संतप्त होकर स्नान करने के लिए जब आया सरोवर में अपनी हथनियों के साथ, अपनी हथनियों के साथ आया, तो क्या किया, स्नान कर रहा था। और जब हाथी को गज ने पकड़ लिया, अरे ग्राह ने पकड़ लिया गज को, और गज गहरे पानी में डूबता जा रहा है, उसको मगरमच्छ खींचता जा रहा है, तो वही हथिनियां जो अभी तक हाथी के साथ स्नान कर रही थी वही छोड़ छोड़ कर ये बुला रहा, अरे रुको, अरे रुक जाओ,
इसको सरोवर में ही वैराग्य हो गया। वारे संसार, अभी तक ये हथिनियां मेरे साथ थी और जैसे ही संकट आया, कष्ट आया, ये छोड़कर यही संसार बने का साथी सब हैं और बिगड़े का साथी कोई नहीं। बिगड़े का साथी कौन है? राम। जब संसार में कोई नहीं आता तो कौन आता? जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं।